हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग हिसार जाने वाले क्योंकि कल दीदी का बर्थडे और हम योगेश और पापा हम तीनों दे रहे हैं दीदी जीजू को और मम्मा को सरप्राइज। 6 बजे की ट्रेन है हमारी, तो शाम को 6 बजे हम लोग ट्रेन से निकलेंगे हिसार के लिए। तो अभी हम लोग तो निकल चुके हैं पार्लर के लिए, बस थोड़ी दूर और लगेगा उनके घर तक पहुँच, क्योंकि वो घर में ही पार्लर करते हैं ना अपना। पार्लर का ट्रीटमेंट तो हमारा हो गया, मेघा को आईब्रो बनवानी थी, मेरे को भी आईब्रो बनवानी थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी होगी ना कि मैं बनवा नहीं पाई हूँ, इसलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को, तो बाहर जाती हूँ फिर बताती हूँ। इस बात ये होना कि मेघा को मतलब जब मैंने देखा ना इसको बनवा रही थी, ज्यादा उछल कूद रही थी ना ये, मेरे को डर लग गया यार वो, तो इसलिए इसको देखा मैंने भाई मेरे को बहुत ज्यादा डर लग गया, मेरे बद भी खराब हो गया था बिजन, इस कारण से मैं कहीं जा ही नहीं पा रही थी। हम लोग पानी पूरी खाने के लिए गए थे, लेकिन जिस पे हम लोग खाते थे ना, अब वो मतलब पानी पूरी वाले ना अब पानी पूरी बेचना बंद कर दिया है उसने। तो फाइनली मैं रेडी तो हो चुकी हूँ, योगेश अपने फ्रेंड के साथ ना बाहर गए हुए कोई काम से, तो वो बस आ जाओ उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो सामान तो ये क्योंकि हम लोग ज़्यादा थैला करना नहीं चाहते थे मेरा और योगेश का थैला, बस ये छोटा सा है क्योंकि हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगने वाला था। तो पापा तो ऊपर में भी चेक करके आ गए क्योंकि लॉक कर रहा था ना ऊपर छत वाले गेट को, तो उसको भी लॉक कर दिया हमने। बस योगेश आ जा, हमारा टाइम तो हो चुका है, 8 तो बज चुका है, हमारा 9 बजे ट्रेन है। हम लोग स्टेशन तो पहुंच चुके हैं, हमारी ट्रेन है 10 बजे की, पता नहीं यार हम लोग 6 बजे की ट्रेन से आने वाले थे, लेकिन योगेश जब स्टेशन पता करने के लिए गए तो वहाँ पे पता चला उन्होंने कि 10 बजे सी ट्रेन है, तो हम लोग 10 बजने में अभी आधा घंटा लेट है, 9:30 तो बज चुके हैं, तो बस आधे घंटे में ट्रेन आ जाए उसके बाद हम लोग नीचेंगे और फिर देखेंगे इन लोग का रिएक्शन क्या होता है। अभी तो हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, वैसे तो मास्क लगा लिया मैंने, बस कैप नहीं लगाया इसलिए मैंने अपने स्वेटर का ही कैप लगा लिया। यार अपना सेफ्टी तो अपने हाथ में होती है ना, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है, सब्जी पूछो तो यार। और ये लोग को इधर देखो खाना खा रहे हैं, ये लोग घर से खाना खा कर के नहीं आए थे क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि 6 बजे की ट्रेन है, हमने खाना बनाया नहीं, तो फिर बाद में ये लोग चेक करने का, जिसने बोला 6 बजे की ट्रेन है नहीं 9 बजे की है, तो इसलिए हमने खाना वाना उस चक्कर में बनाया नहीं, बस पैकिंग वैकिंग किया उसके बाद निकल गए थे। ये लोग आराम से बैठ करके उधर खाना खा रहे हैं, मैंने और पापा ने तो खा लिया, और पापा इधर बैठ के फ़ोन चला रहे हैं क्योंकि ट्रेन में कोई काम तो है नहीं इसलिए फ़ोन ही चला रहे हैं। फाइनली हम लोग हिसार तो पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है अभी 12:27, मतलब आधी रात हो चुकी है। एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो 1 जनवरी को बहुत लोगों का बर्थडे भी रहता है, जैसे कि दीदी, तो दीदी को भी मैं विश करती हूँ हैप्पी बर्थडे दीदी। बस अब दीदी को सरप्राइज़ देने के लिए रेडी हो चुकी हूँ मैं, बस पहुँच जाऊँ एक बार। यार क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा ठंडी लग रहा ना मैं बता नहीं सकती। तो आ गए हमें पिकअप करने के लिए, दादी से निशु किधर गया? अच्छा आ गया क्या, चलो पापा अंदर चलो। गाइस स्पेशली मम्मा का रिएक्शन देखने वाले हैं, चुप चुप के आए हैं क्योंकि दीदी को दीदी ने बता दिया, मम्मा को कुछ नहीं पता है, देखते हैं क्या होता है रिएक्शन। खोले क्या, खोलो ना, जाओ ना, जाओ इधर इधर पापा इधर आओ। ये डर गया, लेकिन डर गया कैसा लगा बड़ा सरप्राइज। चिमक गया, देख तू आधी रात ने ये बताओ डांटा क्यों नहीं, कैमरा वाला इसलिए नहीं डांटा या फिर ऐसे नहीं डांटा? वही तो खोलो कान का थल, वीडियो बना लिया जोर का चमका ये, ये सब का आवाज सुन के थोड़ा सा ये हो गया, आवाज सुन के हेलो थोड़ा चिमक क्यों इतना जोर से। अरे मेरे को तो ना इतने बारी फोन की ना मम्मा, मैंने एक बार भी रिसीव ही नहीं किया फोन, पहली बात है मम्मा का, एक बार भी फोन रिसीव नहीं किया, पापा का फोन आ रहा था बार बार। तो सरप्राइज कैसे रहता, उठा लेते फोन तो फिर बता देते, तो मतलब कह के मैं बाथरूम में बैठी हूँ, दीदी को तो जीजू नहीं बता दिया, निशु कह के ताई जी मैं तो सो ही गया। आपके लिए एक फेवरेट चीज भी लाए आपके खाने की, क्या रस मलाई, दूध चमचम, अरे रस मलाई उसी को बोलते हैं, वो मलाई के बर्फ मम्मी के लिए लाए हैं, बर्फी निशु 22। हाँ। तो अभी केक कटने वाला है, आजा सारे आजा, सारे बाबू काटेगा, ये लो ये लो ये लो, आजा लो लो लो, केक काटेगा, पहला न्यू ईयर है ना इसका, आप सर आप भी जाओ, आप भी जाओ, फोटो खींच, न्यू ईयर का केक कट करेगा मेरा बेटू, इस पे लिखा हुआ है 2020 बिल पर काटेगा
काटे काटो, लेकिन इसको खिला नहीं सकते यार। हाँ, ये तो है। चलो काटे। ये फाइनली मेरी व्लॉग एडिटिंग हो चुकी है। आई होप आप लोगों को भी मेरी व्लॉग अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो व्लॉग को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। अभी के लिए चलती हूँ, बाय बाय।